धीरेन्द्र शास्त्री का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नफरत फैलाने का। और क्या ट्रैक रिकॉर्ड आप किस मतलब पप्पू यादव कह रहे हैं कि बाबा अगर चमत्कार कर सकते हैं तो बेरोजगारी हटा के दिखाएं ना। पप्पू यादव से पूछिए कि इफ्तार पार्टी करने गए थे तो इफ्तार से बेरोजगारी हट गया था। समोसा खाइएगा तो आपके कृपा बरस जाएगा, गोलगप्पा खाइएगा तो कृपा बरस जाएगा। तो इस तरह का लोग जो है थोड़ा सा अंधविश्वास में रहते हैं। बाबा का तो नफरत तो फैलाते हैं, ये वाला पे सवाल चाहिए। अरे बोल दिए होंगे, इसलिए बुला गया होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि नफरत फैला रहे होंगे। सब जगह मुस्लिम कंट्री है ना, एक हिंदू कंट्री है कोई, पर सुखी कोई भी तो नहीं है। एक कंट्री है। पूर्व ज्ञानी अगर है तो ये भी तो बता सकते हैं कि पुलवामा में कौन हमला किया, कहां से आया 300 केजी आईडी। नहीं तो बाबा बताएंगे ना, बाबा से पूछ बता देंगे ये सब बात। अर्जी लगेगा आपका तो बता देंगे। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल चूटा जी बनाम स्वागत है आपका सच बिहार में, और हमें सुमित कुमार क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड देख रहे हैं सच बिहार की। और जहां तक आपको मालूम है कि हम लोग लोगों से बात करते हैं, उनकी राय को समझते हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो पब्लिक है ना वो आम पब्लिक नहीं है, ये सब न्यूज़ रिपोर्टर हैं बिहार के डिजिटल चैनल के, और इन्हीं के माध्यम से आप हर तरह की चाहे वायरल खबर हो या कोई मुद्दा हो सब देखते हैं। तो आज ये समझना ये है कि जिस बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इतनी टिप्पणी इस बिहार में चल रहा है, जहां पे आपको मालूम है कि एक छोटा सा मुद्दा को भी कितनी बात की बतंगड़ बनाई जाती है, तो सारे हलचल के बीच में न्यूज़ रिपोर्टर क्या कर रहे हैं, इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट समझते हैं या गैर जरूरी समझते हैं या क्या समझते हैं, जानते हैं ना इन्हीं से। तो देखिए सूर्या जी हैं, कई सारे और रिपोर्टर हैं सब लोग, तो सबसे परिचय कराएं, उस परिचय में ही टाइम कट जाए, इससे पहले कि मुद्दे पे आ जाएं। क्या लगता है कि इतनी सारी बातें क्यों हो रही है, एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे आप कैसे देखते हैं इस मुद्दा को, कि कोई अगर धार्मिक चीज़ों की अनुष्ठान हो रही है कुछ भी और एक बाबा आते हैं, शास्त्री जी आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री नाम है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? हम तो पॉजिटिव वे में देखते हैं एज ए हिंदूज, हम देखते हैं कि आए उनका स्वागत है और 13 तारीख को हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लगेगा जब वो आएंगे बिहार की धरती पे, हमारी पावन धरती है और बहुत बहुत उनका स्वागत। लेकिन कई लोग तो ये कह रहा है, जैसे पॉलिटिकल भी टिप्पणी इस पे हो रही है ना, कि वो आएंगे तो नफरत फैलाने वाली बात करेंगे, तो इस पे ये वो फैलाने। देखिए ये जो पॉलिटिकल मुद्दा है ये तो हमेशा चलेगा बिहार में, क्योंकि जाति जनगणना हो गया, उसमें 500 करोड़ रुपया खर्चा हो गया और बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दा है जो चलते रहता है। यहाँ के पॉलिटिक्स जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ चलता है जाति पे, दूसरा कुछ भी आधारित नहीं है। और ये है कि 80% को नाराज करने के लिए तेज प्रताप जी बोले कि उनको एयरपोर्ट पर ही घेर लिया जाएगा, 80% को आप नाराज करने के लिए और 20% को खुश करने के लिए आप ये तमाम बातें बोल रहे हैं। लेकिन 80% नाराज और 20% खुश, इसमें यह भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नफरत फैलाने का। आप किस बेसिस से कर सकते हैं? मतलब कि हिंदू मुस्लिम को लेकर कमेंट करना, बुलडोजर चला देंगे तो ये कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तार्किक नहीं है ना, ये तार्किक तो नहीं है। मगर एक भी बताइए, सब जगह जितना भी कंट्री है, चाहे पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो, सब जगह मुस्लिम कंट्री है ना, एक हिंदू कंट्री है कोई, पर सुखी कोई भी तो नहीं है। एक कंट्री है, सुखी क्या, सुखी तो कहीं नहीं है, मगर फिर भी एक कंट्री है। एक कंट्री हिंदू क्यों नहीं हो सकता है, अगर जो इंडिया को, अगर पर वो अच्छा, तो आपकी बेसिक बात को वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ऐसी बात बिहार आकर भी करे तो अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है, मगर एज ए थाउट उनको बोलना, बोल सकते हैं, अपना मांग है तो क्यों नहीं रख सकते, अपना मांग रख सकते हैं। चलिए इनकी बातें रख लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी बातें, इतना सारा मुद्दा होने के बाद एक इस धर्म को लेके एक बाबा आ रहे हैं, इस पर इतनी बातें होना और पूरी पॉलिटिक्स से लेके मीडिया से लेके सब इस पर शिफ्ट हो जाना, कितना सही कितना गलत? 100% गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से खास तौर से राजनेताओं को लीजिए, विरोध कब शुरू हुआ? जब पप्पू यादव ने विरोध किया, जब तेज प्रताप जी ने विरोध किया, ठीक है, विरोध का एंगल समझिए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बाबा अगर चमत्कार कर सकते हैं तो बेरोजगारी हटा के दिखाएं ना। पप्पू यादव से पूछिए कि इफ्तार पार्टी करने गए थे तो इफ्तार से बेरोजगारी हट गया था? नहीं हटा ना। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि उनके यहाँ आने से इतना ही शक्ति है तो पाकिस्तान को हटा के दिखा दें, बॉर्डर चीन कब्जा करके दिखा दें, तो गांधी मैदान में इफ्तार हुआ, उससे कब्जा हो गया चीन? नहीं हुआ ना।
दरअसल ये इसलिए कहा जाता है कि जब वो बोलेंगे तो उनके समर्थक इस पे आएंगे, और जब इनके समर्थक इस पे आएंगे तो जो पक्ष वाले हैं वो भी बेरोजगारी छोड़ के इस पे जवाब देंगे। अच्छा, और ये माहौल, ये बात सही है, सबकी अपनी माहौल है, सबकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन इस बीच में एक सच्चाई तो ये भी है कि वो अंधविश्वास को प्रमोट बहुत ज़्यादा करते हैं। एक एक व्यक्ति आज इलाज न कराए वहाँ अर्जी लगाए, और ये अर्जी लगाने वाला, ये सब चीज़ें अंधविश्वास के दायरे में तो आती है। देखिए, बेटा मांगना हो चाहे इलाज कराना हो, लोग जिस धर्म को मानते हैं, जिस देवता पे उनको यकीन होता है, उस चौखट पे जाते हैं। चाहे हिंदू अपनी जगह पे जाता है, मुसलमान अपनी जगह पे जाता है, क्रिश्चियन अपनी जगह पे जाता है, जाने वाले को आप रोक नहीं सकते। उसको क्या मिला ये उसका व्यक्तिगत मसला है कि वहाँ गया तो उसको मिला या नहीं मिला। सर फोड़ते लोग जो बालाजी में खड़े रहते हैं लाइन में लगे हुए, केदारनाथ में मरमर के लोग पहुँचते हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ मिला होगा, नहीं मिलता है तो भी लोग जाते हैं, वो जाने, या जो हज करने जाते हैं वो जाने, इसमें हमें क्यों पढ़ना। ये श्रद्धा की बात है, अपनी अपनी जाना चाहते हैं जाइए, नहीं जाना चाहते नहीं जाइए। आएंगे, कथा कहेंगे, जब बाबा, लेकिन वो नफरत वाली बात अगर बाकी जगह की तरह करना चाह रहे हैं सुमित जी, बाबा आएंगे वहाँ 85 पत्रकार, 200 पत्रकार होंगे कम से कम, सरकार के भी अपने लोग होंगे, बिहार पुलिस की तैनाती रहेगी, उस बीच में जो कहेंगे सो बाबा कहेंगे। अब गलत कहेंगे तो FIR कीजिए, बाबा को लीजिए, बाबा मुंह तो नहीं कहेंगे कि देखो देखो हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू बन जाओ, ऐसा तो नहीं कहेंगे। अब रही बात की हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान भी चाहते हैं हमारे धर्म का प्रसार हो, सब चाहते हैं, हिंदू भी चाहते हैं धर्म का प्रसार हो, और इस धर्म में लेटेस्ट में ईसाई अपना मिशनरी हर जगह खोल रहा है, सबको पता है ये बात, गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, वो प्रसार चाहते हैं, वो प्रसार की भी उनको आजादी है, बल्कि जबरदस्ती ना हो। ये जबरदस्ती हिंदुओं के लिए भी गलत है, मुसलमान के लिए भी गलत है, क्रिश्चियन के लिए भी गलत है। तो अगर ऐसा कोई टैक्टिस समझ सामने आता, देन उस पर FIR होता, तो पढ़ा लिखा हर एक तबका कहता कि नहीं नहीं बाबा देखो गलत कर रहे हैं। नहीं, बात सही है कि मरने, एक कहावत है ना कि मरने से पहले भूत बन जाना, तो पहले मरने तो दीजिए, कहने का मतलब कि उनको आने तो दीजिए, बात तो करने दीजिए, फिर अगर अगर आप पहले से ही इतना डर हैं और आप में, और आप सरकार में हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वो इस तरह की बातें कर देंगे तो पब्लिक इस बहकावे में आ जाएगी और आपका प्रशासन फेल हो जाएगा, ये आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं ना, तो अगर आने दीजिए, पुलिस प्रशासन आपकी कार्रवाई तो करेगी ना अगर ऐसी चीज़ होती है तो। और भी लोग हैं, सिक्के टीवी चितरंजन जी हैं, यहाँ पे देख लीजिए सुनील जी हैं, ये मैम है बिहार जक्शन। क्या लगता है कि इतना बात क्यों हो रहा है कि एक बाबा आ रहे हैं तो इस पर बात इतना का है? रिपोर्टर सब कूद पड़ा है एकदम मैदान में। देखिए, सब चीज़ पर होना चाहिए बात, अगर वो आ रहे हैं तो उसको भी दिखलाना है, और बाकी जो मुद्दा है उसको भी दिखलाना है। रिपोर्टर का काम ही होता है सब चीज़ों को दिखलाना। बाबा जब यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके बारे में भी बतलाना है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, पहली बार बिहार आ रहे हैं, और सब लोग बाबा को काफ़ी लाइक करते हैं, बिहार के लोग भी काफ़ी लाइक करते हैं, बिहार के जितने भी हिंदू लोग हैं वो लोग लाइक करते हैं, सभी लोग, सभी समान, सभी लोग लाइक करते हैं। तो बाबा आ रहे हैं तो बाबा का स्वागत है, लेकिन बाबा का तो नफरतों फैलाते हैं, तो ई वाला पे सवाल तो होना चाहिए। अरे बोल दिए होंगे, ऐसे बोला गया होगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि नफरत फैला रहे होंगे। लेकिन एक बात ये भी तो है कि वो बाबा बहुत सारे ऐसी बातें कर रखे हैं, पब्लिक डोमेन में है वो, जिसमें वो नफरत फैलाने की बात करते हैं, दूसरे धर्म से लड़वाने की बात करते हैं। अगर यही बात बिहार आकर करते हैं तो बिहार के लोग सवाल तो उठाएंगे ना, हालांकि वो आए नहीं है, ये भी एक बात है, किए नहीं है अभी तक। हाँ, जब तक यहाँ पर आए, अभी आए है ये नहीं, आप लोग विरोध करने लगे जी, बताइए। हाँ, विरोध कहाँ कर रहे हैं, सवाल आएंगे कुछ बोलेंगे तब ना। अभी आए नहीं किए हैं, और हमारे लिए तो सबसे गर्व की बात है कि हम नवतपुर के रहने वाले हैं, जहाँ बाबा आ रहे हैं वहीं मेरा घर है, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे इलाके का नाम रोशन हो रहा है, पूरे देश में नाम रोशन हो रहा है, कम से कम इनके वजह से भी। ऐसे तो नवतपुर के लोग खूब जानते ही हैं कि नवतपुर जो है हर चीज में नंबर वन है। अच्छा, तो आपके एरिया में आके अंधविश्वास फैलाएंगे तो नाम होगा ये? अंधविश्वास का है फैलाएंगे, अंधविश्वास क्यों फैलाएंगे, वो तो सच्चाई लोग को बता देते हैं ना कि आपके ऐसा ऐसा समस्या है। अच्छा, तो अंधविश्वास कैसे फैला रहे? अच्छा, समस्या बहुत पूर्व ज्ञानी अगर हैं तो ये भी तो बता सकते हैं कि पुलवामा में कौन हमला किया, कहां से आया 300 kg IED? नहीं तो बाबा बताएंगे ना, बाबा से पूछ, बाबा बता देंगे ये सब बात। पूछिए, बता देंगे, पूछिएगा। अच्छा, अर्जी लगेगा आपका तो बता देंगे, आप भी अर्जी लगवाइए, अर्जी लगवाए तो बता देंगे, एकदम बता देंगे। चलिए, देखिए सुनील जी हैं, आप ही बताइए। इस बात को पुष्टि मैं नहीं करता हूँ कि बताएंगे कि नहीं बताएंगे, लेकिन आप पूछिए उनसे। लेकिन एक यही मेरा सवाल यही है कि इतना ज्यादा बात एक धार्मिक अनुष्ठान को लेके क्यों जरूरी है? बिहार में और भी मुद्दा है, लोगों की मेंटेलिटी है, इतना बहसबाजी मेंटेलिटी है, लोगों की सोच है, लोग उस तरीके का सोचना ज्यादा है। हम अगर यहाँ के बारे में दिखाएंगे, गांधी मैदान के बारे में, कि देखिए गांधी मैदान में साफ सफाई नहीं होता है, इतना करोड़ लागत के पूरे इंडिया में इतना बड़ा मैदान कहीं नहीं है,
जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं होता है। गांधी जी की मूर्ति इतना बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति शायद होगा गांधी मैदान, हाँ ये जो स्टैचू है गांधी जी का, आप अभी जाकर के दिखाइए सुमित जी कि यहाँ पर धूल गंदा कैसे लगा हुआ है, ये दिखाइएगा तो लोग नहीं देखेगा, ये सब चीज ज्यादा देखता है। दिखाइए, जाके दिखाइए कि धूल लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले एक नमूना खाली कैमरा घुमा दीजिए ना, डस्टबिन के नीचे डस्ट देखिए तो नीचे बिगल रहता है, नहीं देखेगा लोग, लेकिन देखेगा क्या ये सब, वही चीज लोग ज्यादा, हाँ वो सब चीजें में ज्यादा तो लोग उसी चीज को ज्यादा दिखलाता है जो लोग ज्यादा देखता है। आप भी समझते हैं इस बात को, बहुत समझते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात है, बाबा आ रहे हैं तो आने दीजिए, स्वागत है। सुनील जी हैं, लास्ट बात हमारी इनसे होगी, क्या लगता है, काहे नहीं बोलिएगा आप? ये देखिए रिपोर्टर साहब मना कर रहे हैं बोलने से, आपको क्या लगता है, इतना बात काहे कर रहा है लोग? देखिए क्या बोलेंगे, यहाँ पढ़े लिखे लोग मूर्ख हैं, अनजान की तो बात छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोग मूर्ख हैं, इसलिए मूर्ख हैं कि जब कोरोना आया था तो मोदी जी थाली और ताली बजवा दिए थे और कह रहे थे गो कोरोना गो, लेकिन कोरोना ने कई की जान ले ली, तो उसी तरह से पढ़े लिखे लोग अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, बाबा आ रहे हैं, अगर पर्ची से सब कुछ हो जाता तो आज देश फिर गुलामी के दौर पर नहीं जाता, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बिक गया है, रोजगार खत्म हो गया है, नौकरी खत्म हो गया है, तो पर्ची से ये सब चीज को रोकना चाहिए था, ताकि आज जो बिहार के युवा हैं बाहर में जो जा रहे हैं, पर्ची से यहाँ पर बहुत चीज किया जा सकता था। रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, युद्ध शांत हो जाता, शांत हो जाता, हाँ तो हम तो ये भी कर रहे हैं कि आज देखिए ना सतपाल मलिक के इंटरव्यू के बाद कितना विवाद है कि पुलवामा में कौन बात सुना कौन बात नहीं सुना और कितना जांच हुआ कि नहीं हुआ, उस पे पर्ची निकालते सारा बात बता देते कि पुलवामा में पीछे कौन बता देते, लेकिन देखिए इनसे पहले भी बहुत सारे बाबा आए थे, राम रहीम आए थे, बाबा आए, रामपाल आए, कृपा हो जाएगा, आप समोसा खाइएगा तो आप पे कृपा बरस जाएगा, गोलगप्पा खाइएगा तो कृपा बरस जाएगा, तो इस तरह का लोग जो है थोड़ा सा अंधविश्वास में रहते हैं, अगर विज्ञान नहीं होता तो पता नहीं ये देश कहाँ होता, इसलिए लोग जो है थोड़ा सा टेक्निकल चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इस सब चीज से बचते हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तो क्या आने को लेकर बहुत सारा सवाल है, उस पे आपका सोचते हैं कि आने दी आ रहे हैं तो आने दीजिए, बात करेंगे तो करवाइए, कोई आ रहा है जा रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में आना और उसको एक एजेंडा के रूप में तैयार करना, जो जितने भी दल हैं वो सब काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक 2024 की तैयारी चल रही है और इसे एक धार्मिक रूप दिया जा रहा है, ताकि जो है इसमें सुनील जी का इशारा हम आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी ऑफिस जो पटना में है वहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है बागेश्वर धाम, ये धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में, आप सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को एक धार्मिक अनुष्ठान से क्या मतलब है, लेकिन इस तरह की चीज़ें की जा रही, तो सब पॉलिटिक्स अंत में, और आप हैं जो घर बैठे हैं अंधविश्वास के चक्कर में आपको लाना है और बेवकूफ़ बनाना है, तो आप होशियार रहिए, अपनी श्रद्धा से किसको पूजा करते हैं इस पर कोई कमेंट नहीं, आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन अंधश्रद्धा हर धर्म में है और इस तरह की चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ावा हो रही है, और वो तब जब आज हम 5G एरा में हैं, सूचना तुरंत आपके फिंगर टिप्स पे निकाल लेते हैं, उसके बाद भी अगर इतनी अफवाहें फैलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो इसकी समझदारी आप में कहां जा रही है, समझिए, किसी के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को आ रहे हैं वो अपनी काम करें और प्रशासन अपना काम करे, अगर वो नफरत वाली बातें करते हैं और जगहों और स्टेट में जिस तरह से चीज़ें किए हैं, अगर यहाँ भी करके जाते हैं तो यहाँ की पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, यही बड़ी बात होगी, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी इस तरह के चीज़ें जो इस तरह की इतनी बातें इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर होने लगती है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं आप भी तो देखते हैं ना चस्का ले लेके, कहे कि हम अच्छा वाला रिपोर्ट वो बना देंगे ना, तो आप थोड़ी देखिएगा, गरियाने ही आइएगा लेकिन इसके कमेंट में, लेकिन देखिएगा जरूर, ये तो हमको पता है, तो बाकी आप अपनी राय दीजिए कि आप अच्छा रिपोर्ट काहे नहीं देखते। सच बिहार देख रहे हैं फेसबुक पे, पेज फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नमस्कार।